आज बहुत ठंडी है और मैं इस ठंडी सी मौसम में बाहर घूमने निकल चुका हूँ, लेकिन किसे पता था कि बाहर घूमने के चक्कर में मेरा इतना मोटा खर्चा होने वाला है। अरे हाँ हाँ, मेरा गाड़ी का टंकी फुल करवाना पड़ा, क्योंकि जब से ये गाड़ी आई है तब से ये 80 लीटर तेल पी चुकी है, पर अभी तक 1000 किलोमीटर भी नहीं चली है और आज फिर से 40 लीटर तेल भराया। इसलिए तो कहते हैं गाड़ी खरीदनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो बंदा उसे मेंटेन करके चल सकता है वही होता असली मालिक। खैर मैं इस बारिश में भीगते हुए बड़ी मुसी के घर आया, क्योंकि इनके पड़ोस में आज बकरा काटा था, लेकिन सबसे पहले तो इन्होंने मुझे चाय पिलाया। चाय पीने के बाद इन्होंने मुझे आधा किलो मटन दिया, वैसे हमने 1 किलो का आता, पर सबको बांटते बांटते सिर्फ आधा किलो ही बचा। खैर मैं इसे लेके अपना घर आया तो मम्मी ने सारा मटन निकाल के काटना शुरू किया और मेरी कांची भी इसे बनाने के लिए अदरक प्याज वगैरह काटने लगी, तो थोड़ी देर में इसने 2-3 तेज पत्ते के साथ मसाला ऐड किया, क्योंकि तेज पत्ता डालने से मटन में अलग ही स्वाद आता है। देन फिर इसने सीधा मटन को डाला और भूनना स्टार्ट किया। फिर ऐसे ही करते करते हमारा मटन बनके तैयार हुआ, जिसे मेरी कांची सबकी थाली में परोसने लगी और इधर मेरी मम्मी बैठ के खाने लगी, तो मैं इन्हीं के बगल में बैठ के खाने लगा। चलो बाय।